SBNI न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मानसी जायसवाल। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी हाल ही में हुई है। परकला वांगमई की शादी इतने साधारण तरीके से हुई कि कानों कान भी लोगों को खबर नहीं लगी। ये शादी बेंगलुरु के एक होटल में परिवार और दोस्तों की मौजूदगी में हुई। इस शादी में ना तो कोई राजनीतिक हस्ती शामिल हुई और न ही कोई VIP। लेकिन शादी होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी जबरदस्त चर्चा है। ट्विटर पर हैशटैग निर्मला सीतारमण ट्रेंड कर रहा है। तमाम लोगों के बीच ये जानने की उत्सुकता बढ़ गई है कि आखिर कौन है वो शख्स जो देश की वित्त मंत्री का दामाद बना है। आइए आपको बताते हैं निर्मला सीतारमण के दामाद के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दामाद का नाम है प्रतीक दोषी। प्रतीक दोषी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं और PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय में स्पेशल ड्यूटी ऑफिसर के तौर पर कार्यभार संभाल रहे हैं। साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने थे, तब प्रतीक दिल्ली आ गए थे। 2019 में वो संयुक्त सचिव के पद पर प्रमोट हो गए। दोषी ने सिंगापुर मैनेजमेंट स्कूल से ग्रेजुएशन किया है। उनका PM नरेंद्र मोदी से पुराना नाता है। गुजरात में PM मोदी के मुख्यमंत्री कार्यालय में शोध सहायक के रूप में काम कर चुके हैं। PMO की वेबसाइट के मुताबिक दोषी PMO के रिसर्च और स्ट्रेटजी विंग को देखते हैं और उनकी भूमिका भारत सरकार यानी बिजनेस एलोकेशन नियम 1961 के संदर्भ में PM को सचिवीय सहायता प्रदान करना है, जो रिसर्च और स्ट्रेटजी तक सीमित नहीं है। तो ये थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बाद की कुछ महत्वपूर्ण बातें। लेकिन क्या आप इन सभी बातों से सहमत हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की बेटी की शादी हाल ही में हुई है, ऐसे में उनके नाम की चर्चा यहाँ पर काफी जोरों शोर से हो रही है। इसके अलावा आपको आइए बताते हैं निर्मला सीतारमण के बारे में आखिरकार उनकी संपत्ति कितनी है। निर्मला सीतारमण एक राजनीतिज्ञ और भारत की वर्तमान वित्त मंत्री हैं। निर्मला सीतारमण भारत की दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। उनसे पहले इंदिरा गांधी ने 1970 से 1971 के बीच प्रधानमंत्री रहते हुए वित्त मंत्रालय अपने पास रखा था। लेकिन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री होने का गौरव निर्मला सीतारमण को ही मिला। सितंबर 2017 में वो पहली महिला थी जिन्हें भारत की फुल टाइम डिफेंस मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया। निर्मला सीतारमण का जन्म 18 अगस्त 1959 को मुदेरू में सावित्री और नारायणन सीतारमण के घर हुआ था। पिता रेलवे में नौकरी करते थे और तो वहीं उनकी माँ हाउसवाइफ थी। निर्मला सीतारमण ने अपनी शुरुआती शिक्षा मदुरई में पूरी की। उन्होंने सीता लक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज तिरुचिरापल्ली से इकोनॉमिक्स में BA की डिग्री पूरी की। फिर आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली के जवाहर नेहरू विद्यालय में दाखिला लिया। अर्थशास्त्र में मास्टर ऑफ आर्ट्स और MPhil पूरा करने के लिए दिल्ली आई। GNU में पढ़ाई के दौरान निर्मला सीतारमण अपने पति परकला प्रभाकर से मिली। अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के होने के बावजूद दोनों ने साल 1986 में शादी की और उनकी एक बेटी है। परकला प्रभाकर कांग्रेस की विचारधारा के थे, जबकि सीतारमण का झुकाव BJP की ओर था। उनके पति परकला प्रभाकर ने तत्कालीन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के कम्युनिकेशन एडवाइजर के रूप में काम किया। निर्मला सीतारमण पार्टी की प्रवक्ता बनी और पार्टी की आवाज और चेहरे के रूप में जानी गई और आमने सामने और TV बहस में राजनीतिक दिग्गजों के खिलाफ खुद को खड़ा किया। सीतारमण वर्ष 1991 में वापस भारत लौटी और साल 2003 से 2005 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रही। फिर साल 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में शामिल किया गया उन्हें। 5 जुलाई को सीतारमण ने संसद में अपना पहला बजट पेश किया। 1 फरवरी 2020 को उन्होंने केंद्रीय बजट 2020-2021 पेश किया। सीतारमण ने हैबिटेट यानी लंदन में एक होम डेकोर स्टोर से सेल्स पर्सन के रूप में काम किया। उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियर्स एसोसिएशन के एक अर्थशास्त्री के असिस्टेंट के रूप में भी काम किया। उन्होंने PwC और BBC वर्ल्ड सर्विस में एक सीनियर प्रबंधक और के रूप में भी काम किया।
देश के खजाने का हिसाब किताब रखने वाली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बाकी कैबिनेट मंत्रियों के मुकाबले बहुत कम संपत्ति है। साल 2020 में उनके पास करीब 1,34,00,000 रुपए की संपत्ति थी। उनके पास अपने पति के साथ संयुक्त हिस्सेदारी के रूप में 99,36,000 रुपए कीमत का एक मकान, इसके अलावा उनके पास करीब 16,02,000 रुपए कीमत की गैर कृषि भूमि भी बताई गई। साल 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्री के पास कार नहीं थी, उनके पास बजाज का स्कूटर है। उनकी कुल चल संपत्ति करीब 18,04,00,000 रुपए की बताई गई। वो शास्त्रीय संगीत पसंद करती हैं और समय समय पर उन्हें सुनती हैं। वो भगवान कृष्ण की भक्त हैं, उनको पढ़ना भी पसंद है। निर्मला सीतारमण को जेएनयू द्वारा 2019 में विशिष्ट पूर्व छात्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फोर्ब्स पत्रिका द्वारा 2019 में उन्हें दुनिया की 34वीं सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में भी स्थान दिया गया था। तो ये थी निर्मला सीतारमण की जिंदगी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शायद ही आप जानते होंगे। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखिए ते रहिए SPNI News।